हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। हर्षदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत इस अंदाज में इसलिए करना चाहते थे क्योंकि कोरोना की इस लड़ाई में आपका ये संगीत वाकई एक डिवाइन है। ये प्रार्थना बहुत मायने रखती है उन सब के लिए जो पिछले दो साल से समझ ही नहीं पा रहे हालात आखिर किस तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सुरभि, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू से दैट। आप ये बात कह रहे हैं लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ऐसे वक्त में आई थिंक हमारे लिए और बहुत लोगों के लिए म्यूजिक एक ऐसी एक थेरेपी रही है जो हमें हेल्प करती है कि हम अपने जो दुखों को या अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसे कुछ पलों के लिए भूल जाएं। सो म्यूजिक हैज रियली बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फेज। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं रोल प्ले किया है म्यूजिक ने सबके दुखों को भुलाने के लिए। वीकेंड्स पे लाइव शोज या आप लोगों के कॉन्सर्ट्स का इंतजार करते थे कि कब हमें मौका मिल जाए कि हम ये कर सकें। आज वो मौके हम नहीं जानते कितना लंबा इंतजार उसके लिए हमें करना होगा। इसीलिए ट्रीटमेंट की हम इतनी बात कर चुके हैं कि अब ना उस म्यूजिक थेरेपी का सहारा लेना पड़ रहा है जो शायद माहौल को हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज कर दे। और अगर आज आप हमारे साथ हैं तो शायद मैं चाहूंगी उस म्यूजिक थेरेपी का फायदा मेरे साथ साथ जो आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं उन्हें मिले। जी मेरी पूरी कोशिश रही है। इनफैक्ट 2020 में मैंने बहुत सारे डिवोशनल मैंने गीत रिलीज करे हैं। डिवोशनल म्यूजिक मैंने रिलीज किया है अपने ही चैनल से। जैसे एक हमारी गुरबाणी में प्रेयर है ताती वाव ना लग गई, यानी कि गर्म हवा ना लगे, भगवान हमेशा हमें प्रोटेक्ट करे, क्योंकि एक अंदर से एक डर की भावना थी। तो मेरे दिल से एक आवाज आई कि क्यों ना मैं ये प्रोजेक्ट करूं। और फिर मैंने चौपाई साहब किया जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी है। मैं चाहूंगी अगर आप हमें भी वो सुनाएं और हमें भी वो महसूस करवाएं। जी जो वो प्रेयर है वो काफी लंबी है और वो एट स्ट्रेच गानी पड़ती है, मैं बीच में ब्रेक नहीं कर सकती। बट मैं कुछ और सुना देती हूँ। मेरे जो म्यूजिक लवर्स हैं जो मेरा म्यूजिक पसंद करते हैं उन्हें मेरा हीर गाना काफी अच्छा लगता है, तो मैं उसकी कुछ लाइनें सुना सकती हूँ। हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, हीर हीर ना खोड़ियो, मैं ते साहिबा होई, कोड़ी लेके आवे ले जाए हाय, कोड़ी लेके आवे ले जाए, होते जही मैं ते मेरे वरगा हस दे सजर सवेर वरगा, अखा बंद कर ले ठंडे हनेरे वरगा, होते जही मैं ते मेरे जा मेरे वरगा, होते जही मैं ते मेरे जा मेरे वरगा, हो हीर हीर ना खोड़ियो, मैं ते साहिबा होई, कोड़ी लेके आवे ले जाए हाय, कोड़ी लेके आवे ले जाए। एक माहौल में खुशनुमा ना होकर एक खामोशी सी छा चुकी है और ऐसे लगता है कि जिंदगी वो जो रफ्तार थी वो कहीं थम गई है। और अगर हम म्यूजिक की बात करते हैं, म्यूजिक और खामोशी का भी अपना एक दूसरे से कनेक्शन है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहां हमारे पास शब्द खत्म हो जाते हैं ना तो शायद हम म्यूजिक के जरिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्या आपने खुद ऐसा महसूस किया इस दौरान? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
एक्चुअली क्या हुआ था कि शुरू शुरू में जब 2020 में जब पैंडेमिक के बारे में पता लगा और लॉकडाउन था, तो सबको लग रहा था कि कुछ महीनों की बात है या कुछ दिनों की बात है, कुछ हफ्तों की बात है शायद, कि ये सब ठीक हो जाएगा और जिंदगी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी. लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया और ऐसी खबरें आने लगी, और इनफैक्ट 2021 में हमें उम्मीद थी कि शायद अब चीजें बेहतर हो जाएंगी और लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे. लेकिन आज ऐसा माहौल है कि आप अपना फोन खोलते हैं, या वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कोई ना कोई एक रेस्ट इन पीस की या अपने किसी रिश्तेदारी में या किसी क्लोज रिलेशन में कोई ना कोई कोई डेथ हुई होती है या कोई बहुत सीरियस होता है. तो एवरी डे यू वेक अप वेरी बैड न्यूज, तो बहुत ही अजीब सा माहौल है. तो वाकई में उस टाइम आपको चाहिए कि आप एक ऐसे अपने आप को एक शांतिपूर्वक जगह पर ले जाएं और कुछ ऐसा कुछ सूदिंग म्यूजिक सुने, या हम जैसे कीर्तन सुनते हैं, गुरबाणी सुनते हैं, तो एक वो थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है सुनकर. इतना नेगेटिव माहौल है तो ऐसा म्यूजिक सुनकर थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलती है. म्यूजिक हमको बहुत वे में प्रभावित तो करता ही है और एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है गाने सुनते ही. इसीलिए मेरा हर्षदीप यही कहना है कि आपके म्यूजिक के जरिए आज हमारे पास एक मौका है उन तमाम दर्शकों तक उस म्यूजिक थेरेपी से उन्हें हील करने का मौका देने का. क्योंकि अगर आपने भी वो वीडियोस देखे हो जो लोग हॉस्पिटल में हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनके बीच में उनकी जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, वो भी कहीं ना कहीं म्यूजिक का ही सहारा ले रहे हैं. जी बिल्कुल, मैंने भी कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें जो मेडिकल स्टाफ है या जो डॉक्टर्स हैं वो गाने गा रहे हैं. ये मतलब देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी मुश्किल में, एक फॉर एग्जांपल उनकी पीपीई किट ही कितनी ज्यादा आप कह सकते हैं हैवी होती है, इतने उन्होंने लेयर्स पहने होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है और सबका वो उनकी सबकी इलाज कर रहे होते हैं, इसके बावजूद वो सबको एंटरटेन भी कर रहे हैं. तो उनको वाकई सलाम है उनकी स्पिरिट को. और म्यूजिक में है वो पावर जो किसी का भी मूड ठीक कर दे. जब हम उदास होते हैं और अगर हम कोई हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं या कोई डांस वाला गाना सुनते हैं तो एकदम से हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है. और कई बार आपको जब शांति चाहिए होती है हम डिवोशनल म्यूजिक सुनते हैं, आपके मूड के हिसाब से हम म्यूजिक सुनते हैं. तो म्यूजिक में है वो जादू. इनफैक्ट आज मैंने शुरुआत एक ओंकार से करी, तो मुझे याद है जब मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी रहमान सर के सामने, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई गॉड इज समवेयर नियर बाय, जो मेरे आसपास हैं और मुझे एनर्जी देना कि मैं और अच्छा गाऊं. तो ठीक वैसे ही जब मैंने ये प्रेयर्स रिकॉर्ड करी हैं या जब भी मैं गाना गाती हूँ, स्पेशली इस मोटिव से कि शायद इससे किसी का मूड अपलिफ्ट हो जाए, तो एक अलग ही एनर्जी आती है. सुरभि, मुझे याद है एक बार मेरा कॉन्सर्ट था, मैं कॉन्सर्ट भी बहुत मिस कर रही हूँ, लाइव कॉन्सर्ट, क्योंकि ऑडियंस से रूबरू होने का मौका मिलता था. तो मैंने एक गाना गाया अपना और एक बहुत ही ओल्ड लेडी थी, आई थिंक 90 से भी ऊपर उनकी एज थी, तो मैंने देखा कि वो डांस कर रही हैं. तो उनकी जो डॉटर है वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि वैसे उनके घुटनों में दर्द रहता है, वो चेयर से उठ भी नहीं पाती है, लेकिन आपके म्यूजिक से वो इतनी इंप्रेस हुई है कि यार वो डांस कर रही है. तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो आई फील रियली ब्लेस्ड कि वाकई हमें भगवान ने ब्लेस किया है कि हम म्यूजिक के जरिए किसी का कुछ भला कर पाए या किसी की लाइफ में खुशियां ला पाए. बिल्कुल, ये छोटी छोटी खुशियां ना, वो कहने के लिए छोटी होती है लेकिन बहुत मायने रखती हैं. और मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जितना मैं इंटरेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि हम एक सोशल रिसेशन से भी डील कर रहे हैं, हम अपनों से भी नहीं मिल पाते. तो इमोशनल होने की जहां बात आती है ना, तो आपके दिलबरों का बहुत सहारा लिया गया. एंड ट्रस्ट मी, ये फैक्ट है. मतलब जहां आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां ये म्यूजिक कुछ अलग ही इम्पैक्ट देता है. सुरभि, जैसे आपने बात करी जिस गाने की, दिलबरो, बहुत ही इमोशनल गाना है. और शुरू शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि एक दूसरे की सेफ्टी सबसे जरूरी है. तो ये गाना जब टीवी पे आता था, माय फादर मुझे फटाफट कॉल करते थे कि मेरी दिलबरो, मुझे तेरी याद आ रही है, मैं तेरा गाना सुन रहा हूँ टीवी पर. तो मैं वो देखती हूँ कि ऐसे कितनी सारी बेटियां हैं जो अपने अपने फादर से दूर हैं, कहीं अलग अलग सिटीज में हैं, कोई मिल नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे फादर्स हैं जो अपनी बेटियों को मिस कर रहे हैं, एंड बाकी रिश्ते भी जिनसे हम मिल नहीं पा रहे हैं चाहकर भी, लॉकडाउन की वजह से कोई फंस गया है कहीं. तो ये वही इमोशन है. तो उसी इमोशन के साथ मैं चंद लाइनें मैं आपको सुना देती हूँ. उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना,
दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो। बहुत बढ़िया हर्षदीप। और एक और चीज जो हम सब फेस कर रहे हैं, यानी हम ना बहुत एंशियस हो जाते हैं क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस शायद इस माहौल में ऐसा बन चुका है कि हम ज्यादातर नेगेटिव होते जा रहे हैं क्योंकि हम हेल्पलेस हो चुके हैं इन हालात से निपटने के लिए। आपको क्या लगता है कि आगे इस लिहाज से किस तरह का हम अपना थॉट प्रोसेस बनाए रखें, और जो म्यूजिक का सहारा हम आज ले रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये दर्शकों को भी बहुत पसंद आ रहा होगा और उनको भी मेहनत मिल रही, एक कोशिश जो उनकी तरफ से की जाती है म्यूजिक का सहारा लेने की, उससे वो भी हील हो पा रहे हो। जी बहुत जरूरी है कि अपना आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड को ठीक रखना बहुत जरूरी है। आई नो हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले हम खबरें सुनते हैं और अपना व्हाट्सएप खोलते हैं जिसमें हमें न्यूज मिल रही होती है, बहुत डिप्रेसिंग न्यूज है आजकल आसपास, तो अपना जो मेंटल स्टेट है उसको ठीक रखना बहुत ही जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है चीज, हमें उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। हमारे हाथ में ये है कि हम अपना ध्यान रख सकें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख सकें, टाइम पर अपनी वैक्सीनेशन करवा लें, अपने पेरेंट्स की जो अपने लव्ड वंस हैं उनको हम गाइड कर सकें और उनका ध्यान रख सकें, उनको बार बार ये रिमाइंड करते रहें कि हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, अपना ख्याल रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हालात जल्द से जल्द बदलेंगे और एक बार फिर से हर्षदीप हम आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि आपके बहुत से ऐसे गाने हैं जो नाचने गाने का भी हमें मौका देते हैं, और तब उस सेशन में हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को आप ही के म्यूजिक के जरिए पंप करें और इनकरेज करें। आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।